हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, जो हमारा महादेश है, जो 7 प्रकार का महादेश होता है, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अंत में बताएंगे। और वीडियो लगातार देखते रहिए, जिसमें आपको ये कंटिन्यू, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है जो हम लोग नहीं जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी दिल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होता है, यह एक महादेश है, जिसमें अंतर्गत एक ऑस्ट्रेलिया भी आता है। जो सबसे बड़ा महादेश होता है वो आपका एशिया होता है। ठीक है, एशिया महादेश में रहते हैं हम लोग। और इसी जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज हुआ था, सबसे पहले खोज हुआ था 1770 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1717 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और खोज कौन किया था? इसका कोई जो खोज किया था वह आपका खोज किया था जेम्स कुक ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स कुक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज कब हुआ था, तो ये 1717 ईस्वी में हुआ। और इसका कौन खोज किया था? तो इसका जो खोज किया था वह जेम्स कुक ने खोज किया था। ठीक है, उसके बाद मूरे डार्विन्स यहाँ का प्रमुख नदी है। सबसे पहले यह नदी क्या है? नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है मूरे डार्लिंग्स, यहाँ का प्रमुख नदी का नाम है। क्लियर है? इसके बाद आता है कि यहाँ पर जब नदी है, इसके बाद तो वहां पर तो झील होगा। अब झील है तो ये कौन सा झील है? यहाँ का सबसे बड़ी झील का जो नाम है, उसका नाम है आयर झील्स नाम है। ठीक है, ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या ज्वालामुखी है, होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये कि इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्यासी भूमि किस देश को कहा जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, एक जिसका नाम है प्यासी भूमि। ठीक है, ये देश के अंतर्गत में आता है, जिसको देश कहते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब ऑस्ट्रेलिया है, आपका ये नदी आ गया, झील आ गया, इसके बाद फिर यहाँ पर आता है मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल में जहाँ पर आपका ये तीन तरह का मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? तो मरुस्थल तीन प्रकार का होता है। पहला जो आता है आपका ग्रेट सैंडी। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका गिब्सन्स, और तीसरा आता है विक्टोरिया। ठीक है, तो ये तीनों आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत में आता है। ठीक है, और ये तीनों का जो नाम है ये आपका मरुस्थल का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया थे, तो ऑस्ट्रेलिया ये 1 जनवरी, ये डेट को इम्पोर्टेंट करिएगा, और डेट काफ़ी पूछा भी जाता है एसएससी में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है यह स्वतंत्र कब हुआ, इंडिपेंडेंस कब हुआ। ठीक है, तो एक ये हुआ है 1 जनवरी 1901 ईस्वी को, ये क्या हुआ, यूके से स्वतंत्र हो गया, मतलब आजाद हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ से सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये सिडनी पर है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? सिडनी पर है। और सिडनी कहाँ पर है? तो सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया पर है। याद रखिएगा, सिडनी जो आपका है ये आपका ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये छोटा सा देशों के बारे में समझे। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे एशिया। अब एशिया के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।